दोस्तों मैं रोहित पांडे बनारस से हूँ, बट आप लोगों का स्वागत करता हूँ हरिद्वार में। और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। हमारी ट्रेन का हाल ये था कि 6:50 टाइम था, 6:11 पे ही आ गई, यानी बिफोर आ गई। और हम लोग रात शाम 4:30 बजे कटरा से चले थे, तो पूरी रात आराम से सोए मस्त। अब हम लोग जा रहे हैं, अगर रिटायरिंग रूम मिल जाएगा तो रिटायरिंग रूम ले लेंगे, नहीं तो फिर कोई होटल देखेंगे। और आज पूरा दिन हरिद्वार और ऋषिकेश को कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। फिलहाल स्टेशन में बहुत भीड़ है, अभी ट्रेन पूरी खाली हो गई यहाँ पे, और हम लोग चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों की ट्रेन 3 नंबर पर आई थी, उधर खड़ी है, और हम लोग ने ओवर ब्रिज करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आ गए हैं। आगे से प्लेटफॉर्म की बिल्डिंग स्टार्ट होती है। देख सकते हैं आप लोग, भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी देख सकते हैं आप, कोरोना आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट का कुछ है लफड़ा, या फिर डायरेक्ट आप स्टेशन से आउट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो चल रहा है, वहाँ पर बिना आरटीपीसीआर देखे, अगर आपके पास आरटीपीसीआर नहीं है तो आपके पास एंटीजन टेस्ट करवाना वहाँ अनिवार्य था, बट यहाँ पर तो पता नहीं। तो बने रहिए साथ में, देखते हैं आगे। प्लेटफॉर्म की बिल्डिंग शुरू हो गई है, 6:20, इसमें अभी टाइम हो रहा है, और आज डेट है 23 जुलाई 2021। वो भी हम लोग पता कर रहे हैं, रिटायरिंग रूम या डॉर्मेट्री अगर मिल जाए तो यहीं ले लेंगे, नहीं तो फिर बाहर कोई होटल देखेंगे, क्योंकि तो दिन भर रहना है तो सामान उन्हें रखने के भी काम आएगा। क्या हुआ, चलिए आइए बाहर। तो डॉर्मेट्री या रिटायरिंग रूम का सेवा अभी उपलब्ध नहीं है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर, तो हम लोग कोई रूम ले लेंगे, तो वहाँ पर खान वान भी रख देंगे, अपना आराम से दिन भर टेंशन फ्री होकर घूम सकेंगे। हम लोग को जाना कहाँ कहाँ है, फिलहाल हम लोगों की योजना है हरकी पौड़ी जाने की सबसे पहले, उसके बाद चंडी देवी मनसा देवी, और उसके बाद ऋषिकेश निकलेंगे अगर समय मिल जाएगा तो। और ऋषिकेश से त्रिवेणी घाट राम झूला लक्ष्मण, फिलहाल यहाँ स्टेशन से बाहर निकलने पे कोई कोविड का एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर तो अभी तक नहीं नजर आया। हम लोग आ गए लगभग स्टेशन के बाहर, और जो पहचान है बाबा भोलेनाथ वो यहाँ लगेगी। तो हम लोग आ गए हरिद्वार स्टेशन के बाहर, और अभी एक टेम्पो वाले भाई साहब से हम लोगों ने बात किया, उन्होंने बोला एक 500 में गेस्ट हाउस है थोड़ा दूरी पर, 10 रुपये सवारी पे वहाँ भी मिल जाएगा, तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि सामान ही रखना है तो बहुत ज़्यादा महंगा होटल लेने का फ़ायदा नहीं, रास्ते 10 बजे ट्रेन ही है, और ये पीछे हरिद्वार का लैंडमार्क कह सकते हैं स्टेशन का, तो चलिए चलते हैं। अंकुर भाई चलो भैया, टेम्पो वाला 500 रुपये रूम दिखा रहा है, आओ। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैंपस से बाहर, और ले रहे हैं। अच्छा, ये चंडी देवी मनसा देवी ये सब खुला है कि नहीं? सब खुला। और ये ऋषिकेश जाने में कितना समय लगता है? ऋषिकेश जाने में 1.5 घंटा लगेगा, आने में भी वही। तो रात में अगर जो आरती होता है त्रिवेणी घाट पे, देख करके वहाँ से साधन मिल जाएगा ना आने के लिए? हाँ, सारा व्यवस्था यहीं से हो जाएगा आपको। आप ऑटो टेम्पो चलाते हैं? अच्छा, ठीक। तो एक बार स्टेशन का व्यू आप लोगों को दे देता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं रूम में, देखते हैं आगे का क्या व्यवस्था है।
हम लोग बैठ गए हैं बैटरी वाले रिक्शा में और हरिद्वार स्टेशन ठीक बगल में है, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। कोई गेस्ट हाउस वगैरह इन्हीं लोग जो गाड़ी वाले हैं वही कह रहे हैं दिला देंगे, बढ़िया है, 150 इनको भी मिल जाएगा, अपने का भी काम हो जाएगा, क्योंकि अपने को बस बजट में 500-600 रुपये तक के बजट में टिम्बर के लिए रूम चाहिए, क्योंकि बस वहाँ सामान रख करके घूमने ही जाना है और रात में फिर ट्रेन ही है तो कुछ करना था नहीं। तो फिलहाल किसी के बाहर बहुत ही ज़्यादा रश है, कोविड टेस्टिंग नहीं हो रही है, PCR और भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत जहम लगा हुआ है। कटरा तो नॉर्मल से बहुत खाली था, लेकिन हरिद्वार तो ऐसा ही लग रहा है। एक कारण और भी हो सकता है कि दूसरा, क्योंकि अभी तुरंत ट्रेन आई है और मैक्सिमम पैसेंजर से नहीं कर रहे हैं, सब हरिद्वार घूमने आए और आता कि नहा पुलवासी का दिन है तो नहाने का भी अच्छा दिन है, तो हम लोग शायद होटल में नहा लें और वहाँ पर आगमन कर लेंगे माँ गंगा का। तो अभी हम लोग आ गए हैं तो और आगे कोई होटल है, पता नहीं क्या नाम है, अभी स्टेशन के थोड़ा सा आगे ही है और यहाँ 500 रुपये में सिंपल सा रूम मिल गया है, जिसमें एक बेड है, एक लैट्रिन बाथरूम अटैच है, एक टीवी भी लगी है जिसके में ज़रूरत नहीं है, फिलहाल ठीक ठाक है। तो आज यहीं पर स्टे करते हैं और फिर शाम को निकलेंगे, ब्रश भंजन करके निकलते हैं तरकीब पढ़ी, फिर आगे देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए, अभी रूम में चलते हैं, रूम का टूर दे देंगे आपको। तो दोस्तों आ गए हैं हम लोग अपने रूम में, रूम बहुत ही सस्ता है, बहुत ही नॉर्मल है, एक बेड पड़ा हुआ है, एक टीवी लगी है और उधर एक बाथरूम है, शीशा उषा लगा है, और हम लोगों को बस यहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर के ब्रश भंजन करके मैंने डिसाइड किया यहीं नहा लूँगा, उसके बाद हर की पौड़ी में जल छिड़क लेंगे गंगा माता का, और फिर उसके बाद वहाँ से निकल के फ़ोटो शोटो खिंचा के चंडी देवी मनसा देवी, और उसके बाद आगे कहाँ चलना है हम लोगों को, आगे चलना है ऋषिकेश, भैया की इच्छा करेगी तो आराम से आके यहाँ सो जाएंगे दिन में, हम लोग इसी के घूम करके शाम को आएंगे। तो ये है पूरा प्लान, फिलहाल मुझे डेटा एक्सचेंज करना है लैपटॉप में इस कैमरे का, सो दैट ये पूरा खाली हो जाए और पूरे दिन की रिकॉर्डिंग इसमें आराम से हो जाए। तो आप लोग बने रहिए मिलेंगे आगे।